गाइस गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हनी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय नया व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ठीक 10 बजे गाइस। एक्चुअली आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी आईज में ना पता नहीं क्या हो गया है, कल से इस वाली आंख में ना बहुत दर्द है। तो मैंने मेरी दोस्त को दिखाया था तो वो मुझे बोल रही थी कि मेरी आंख में ना दाना निकल रहा है अंदर से ना। मतलब एक तो होता है जो यहाँ पे निकलता है और एक होता है जो यहाँ पे निकलता है। तो वो अंदर की साइड पे निकला है यहाँ पे, तो मेरे को बहुत पेन हो रखा है और मेरी आँख लाल भी, शायद अभी इतनी दिख नहीं रही होगी पर यहाँ से बहुत लाल है। और सर में इसकी वजह से सर में इतना दर्द हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गाइस। इसलिए मुझे 2-3 दिन से कंटिन्यू चश्मा लगा के रखना पड़ रहा है, क्योंकि चश्मा लगा के रखती तो ठीक रहता है, अदरवाइज नहीं लगाती तो ख़राब हो जाता है। और आज मैंने किट्टू को स्कूल भी नहीं भेज पाई इसी के वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। एकदम से अंदर से ना घबराहट जैसा हो रहा है, जिसमें कि गर्मी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा, हवा चल रही है, पर पता नहीं क्या हो रहा है, तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। रात को तो मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया। तो सुबह मैं सोई हूँ, सुबह 4:30-5 बजे जाके सोई हूँ, क्योंकि सर में इतना तेज़ दर्द, दवाई भी खा रही हूँ तब भी असर नहीं मिल रहा, बार बार फेस वॉश करके आ रही हूँ तब भी आराम नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या ही तो हो रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अभी भी ऐसे ही हो रहा है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि मैं आज क्या कर रहा हूँ कि मैंने पहले गर्म पानी पी लिया था, उसके बाद मैंने अभी चाय बनाई है और साथ में टोस्ट खा रही हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द है तो इसके लिए मैं टोस्ट खा रही हूँ। तो टोस्ट और ये जो चाय बनाई है गाइस, मैंने इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं डाली है। मैं जब चाय बनाती हूँ ना, उसमें जैसे गर्म पानी में एक चम्मच हनी डाल के पीती हूँ, ऐसे चाय में भी मैं एक चम्मच हनी डाल के पीती हूँ। तो मैंने इसमें चीनी का नामो निशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हनी है। तो ये रही मेरी कीर्ति मस्ती मारती हुई, क्योंकि आज इसको स्कूल नहीं जाना पड़ा इसलिए नाच रही है। इसको पता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए इतना चिड़चिड़ापन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, पता नहीं क्यों। मेन तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तेल भी नहीं लगा सकती क्योंकि आज गुरुवार है सर में, तो इसके लिए फटाफट ऐसा करती हूँ, मैं पहले फटाफट से अपनी चाय वाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। किट्टू को नाश्ता करा दिया, दूध और ब्रेड खिला दिया था, तो इसके वजह से पहले बाल को सीधे कर ले किट्टा। ले बोल, देखो ना मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, तो आप मेरी मम्मी को डांटो मत। कोई नहीं डांट, ये तो पागल है गाइस, एक और पागल है मेरे पास। तो फटाफट से पहले चाय वाय पी लेते, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस, घर का काम वाम हो चुका है डन एक नंबर, पर किट्टू ने देखो अपना फैलावा फैला रखा है, इसको पता है मम्मी की तबीयत खराब है, फिर भी इसने अपना घर पूरा गंदा कर रखा है। देखो, देख सकते हो गाइस आप सब लोग, किट्टू कितना दंगा मचाती है अपने घर को लेके। वैसे सारा दिन देखो बिस्तर का भी कहाँ पे बैग, और बाकी पूरा घर का काम वाम हो चुका है डन। और बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त बाहर, देख सकते हो आप, आवाज़ आ रही होगी आप लोग को। ये देख सकते हो बारिश आ गई। और किट्टू मेरे संग संग आ गए यहाँ पे, घर का काम वाम हो चुका है डन। साथ में मैंने किट्टू का खाना भी बना दिया है, यहाँ पे किट्टू का खाना बन रहा है, खिचड़ी बनाई है। एक्चुअली मेरी क्लाइंट आ गई थी तो फेशियल वगैरह में लग गई थी, तो इसके लिए लेट हो गया थोड़ा सा। और किट्टू मस्ती मार रही है, उड़ जाओ फिर, गिर गए तो क्या हो गया, उड़ जाओ बंदरिया। बटा किट्टू खेल रही है, मस्ती मचा रही है। मैंने सारा काम वाम डन हो चुका है, बस घर का काम भी कंप्लीट हो गया, किट्टू का खाना कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा काम रह गया है वो खुजा है। शायद अभी एक क्लाइंट और आएगी, उसका फेशियल वगैरह करने का है। अभी सामान उठा के समेट रही हूँ, क्योंकि फिर उस टाइम तो मैं फिलहाल जहाँ पे जो सामान होता है वहीं रख देती हूँ, क्योंकि घर का काम घर समेटना होता है मुझे, उसके बाद बाकी का काम करती हूँ, है ना। तो बस अभी ऐसा करते हैं, फटाफट से घर का काम हो मुझे लग रहा है, फटाफट किट्टू को मजेदार से खाना बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस आज देख सकते हो किट्टू नहा धो के हो चुकी है रेडी, और किट्टू ने पहनी है अपनी पापी की ड्रेस, और ड्रेस नहीं टॉप। तो ये मेरी छोटी वाली बहन का टॉप है, क्रॉप टॉप है, तो उसको थोड़ा टाइट हो रहा था, उसने किट्टू को दे दिया और किट्टू को आया एकदम परफेक्ट। ये वेरी गुड। सो गाइस शाम हो चुकी है, शाम की बन चुकी है ब्लैक टी, तो मैं ब्लैक टी पी रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है, इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, शहद डाला है, मीठा करके पी रही हूँ।
गाइस एक्चुअली क्या हुआ ना, आज मैं ना बस काम वाम निपटा के सो गई थी, खाना पीना खा के कुछ ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो इसकी वजह से मैं भी सो गई, टिकटू को भी सुला दिया। बट जस्ट अभी उठी और बारिश भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, तो मैंने सोचा फटाफट पहले अभी नहा के आई हूँ, नहा के बन जाते पहले फटाफट चाय पीती हूँ, उसके बाद टिकटू को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। आपको दिख ही रहा होगा मेरे फेस से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो फटाफट पहले चाय पीती हूँ। सो गाइस आ गई हूँ मैं नीचे किट्टू को ट्यूशन छोड़ने के लिए, और इतनी तेज बारिश भी हो रही है, साथ में ना हवा भी चल रही है, छाता उड़े उड़े जा रहा है हमारा। कैसे जा रहा है किट्टू? आगे आगे जा रही है, हाँ उड़ने की कोशिश कर रहा है छाता, और पर बहुत ज़ोर से बारिश अभी हल्की हुई है, पर हाँ फिर भी हो रही है कि हमें छाता ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं तो किट्टू गीली हो जाए। और ये किट्टू का प्यारा सा वो छाता, क्या बोलते बाबू इसको, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न वाला मम्मा ने दिलवाया है इसको, बहुत पसंद है। और गाइस मौसम देख सकते हो, 7 बज रहा है पर एकदम काला सा मौसम हो रखा है ना, और बारिश भी हो रही है, साथ साथ हवा भी चल रही है, पेड़ से देख सकते हो, यहाँ से देखो बहुत सारी बारिश हो रही है, पता नहीं कब थमने का नाम लेगी ये बारिश भी। चलो मौसम और व्यू तो दिखाई दिया है आपको, चलो। तो गाइस जा रही हूँ मैं किट्टू को लेने के लिए, और बारिश हो रही है और मैं छाते में जा रही हूँ किट्टू को लेने के लिए, अभी बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी इसलिए मैं किट्टू को लेने नहीं है, बस कोई निकाल के कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, बस अब उसको लेने जा रही हूँ, तो इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ, जितना हो रहा है उतना बना रही हूँ, क्योंकि बरसात है ना, जाए भी तो कहाँ ही जाए, घर से बाहर निकले भी तो कहाँ ही निकले, है ना, तो इसके लिए जितना हो सकता है उतना व्लॉग बना रही हूँ। पर मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं कंटिन्यू व्लॉग लेके आऊँगी, भले कुछ भी लेके आऊँ पर लेके कंटिन्यू आऊँगी, तो बस इसके लिए लगे पड़े मेहनत करने। देख सकते हो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, मैं छाता लेके आ रही हूँ, उससे समझ रहे होंगे आप कि बारिश तेज़ी हो रही है, नहीं तो हल्की फुल्की बारिश में मैनेज कर ही लेती हूँ, सी बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। गाइस देख सकते हो कितनी ज़ोरों से बारिश कर रही है, सी बहुत ज़ोरों से बारिश आ रही है यार। ना मम्मा। सो गाइस किट्टू आ चुकी है ट्यूशन से और मार रही है मस्ती, आते ही सबसे पहले मेरी बेटी पैर धोती है कि वो किट्टू को सब रास्ते में मिले शाप, क्या मिले बब्बी, शाप इधर मुँह दिखा, मुँह दिखा अपना, गाइस फाइनली आ गई हूँ मैं ऊपर, किट्टू को लेके आ गई ट्यूशन से, किट्टू भी आ गई है ऊपर, मैंने आज किट्टू को डरा दिया क्योंकि किट्टू गंदे पानी में खेलती थी, तो मैंने इसको बोला कि वहाँ पे सांप होते हैं, उससे उसमें ना वहाँ पे सांप होते हैं, तो इसलिए हमारी किट्टू जी डर गई और अब वो मेरे को मार रही है कि तुमने मेरे को डराया क्यों, मेरे को डराया क्यों। नो नो बैड मैनर्स गाइस, देखो कितनी गंदी लड़की, आपने देखी कितनी गंदी लड़की अपनी मम्मी को मार रही है, अच्छी गंदी, मेरे से बात नहीं करना, अभी गंदी हो गई गाइस किट्टू। तो गाइस अभी फटाफट से ऐसा करते, पहले मैं काम वाम कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ, किट्टू के लिए खाना पीना बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलेंगे। आज ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं सोची थी आपको आज मैं आपको ना अपना शू कलेक्शन दिखाती, पर कोई बात नहीं, आज नहीं ना, बारिश बहुत हो रही थी सुबह से, तो आज नहीं तो मैं कल पक्का आपको दिखाऊंगी अपना शू कलेक्शन कि मेरे पास कौन कौन से शू हैं, कौन कौन से शू पहनती हूँ मैं, सब मैं आपको कल दिखाऊंगी गाइस, पक्का प्रॉमिस। पर आज का व्लॉग जितना भी हुआ उम्मीद करूंगी अच्छा हुआ, पहले मैं फटाफट से पहले किट्टू के लिए डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद से मिलती हूँ। तो फाइनली गाइस डिनर विनर हो चुका है, डन मेरा भी और किट्टू का भी, और मैं रात को नहीं खाती क्योंकि मुझे ना तबीयत तो थोड़ी ठीक नहीं लगती, इसलिए मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए बस काम वाम हो चुका है डन, और अब मैं सोची इस ब्लॉग के यहीं पर एंड करती हूँ। गाइस अगर आप लोग को मेरी ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, बस इतना ही आप लोगों से मांगती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ। और कल का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, प्लीज़ गाइस मेरे कल के व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, पूरा देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी, और मैं अपना शू कलेक्शन दिखाऊंगी, और मैं कहाँ से लेती हूँ वो भी बताऊंगी, और मैं बॉम्बे से नहीं लेती हूँ, मैं दिल्ली से लेती हूँ, और कहाँ से लेती हूँ क्या करती हूँ वो सब बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ गाइस कल का व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करिए, तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के संग, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ अगस्त, जय माता दी, लव यू ऑल। आपको पता है कल मेरा बर्थडे आने वाला है, कल जुट्टी तो पागल है, इसकी बात में दो बात, टू मंथ पे आने वाला है, अगस्त फिर सितंबर,
फिर आएगा मेरा बर्थडे। गाइस प्लीज इस वीडियो को ना कभी बंद मत करना, नहीं तो कट्टे हो जाऊंगी मैं आपसे। हो गया, मेरी मम्मी भी कट्टे हो जाएगी। बाय, गुड नाइट तो बोल दो। गुड नाइट, सी यू अगेन, लव यू ऑल। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज कमेंट्स में लाइक और सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करके जितना हो सके उतना करिए। बाय।